हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसमें आज एनसीईआरटी रिव्यू में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, बेसिकली जब आप इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी एनसीईआरटी में जब स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको एक 9th क्लास की बात बताएगा कि नोबल गैसेस जो होती हैं, नोबल गैसेस को का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो उनकी वैलेंस सेल है वो कंप्लीट होती हैं, यानी कि उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसकी जो आखिरी शेल होती है वो कंप्लीट होती है। और यही टेंडेंसी होती है ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी, टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लूज और गेन होता है। इस जो लूज और इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, इसी वजह से रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेसिकली होता है बच्चों। अब इसके लिए इसने क्या किया है, कंपैरेटिव टेबल को दिखाया है जिसमें नोबल गैस के हीलियम, नियॉन और अर्गन का एटॉमिक नंबर और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखा दिया। फिर इसने दिखाया बच्चों मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन और नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स में इसने दिखाया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की बच्चों इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सेम वे इसने दिखाया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम के एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन को। अब इससे क्या समझाना चाहता है बच्चों, ये समझाना चाहता है कि इसमें आपको ये देखने को मिलेगा जो मेटल्स है दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। यानी कि जैसे कि इसके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हें ये लूज़ कर देते हैं ताकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या कर दे, पूरा का पूरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर ले। लेकिन जब इसका कंपैरिजन नॉन मेटल से करते हैं तो नॉन मेटल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि क्या होते हैं वो, उन्हें क्या करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करे बच्चों। इसी से हमारा क्या बनता है बच्चों, जो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं उसके रिएक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल दिया इसने किस चीज़ का बच्चों, एग्जाम्पल दिया इसने NaCl का। यहाँ पे इसका 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक इसने लूज़ कर दिया, तो यहाँ पे क्लोरीन का 287 था, इसने गेन कर लिया, तो NaCl हमारा बन गया। इसी को हम कह देते हैं क्या, आयनिक फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ड्यू टू दी गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों। सेम वे में इसने क्या दिखाया बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड का दिखाया, जो कि हमने भी पढ़ा था बच्चों, यानी 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीशियम ने लूज़ किया, 2 क्लोरीन के एलिमेंट्स ने इसे गेन किया और क्या बन गया, MgCl2 बच्चों। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों, और इनमें एनायंस और कैटायंस होते हैं, ठीक है बच्चों, जो कि हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। चलिए अब आ गया बच्चों आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है बच्चों। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या चेंज होती है, अब जरा उन प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं बच्चों। पहली प्रॉपर्टी होती है फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और समवट हार्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जनरली ब्रिटल भी हो जाते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं बच्चों, तो ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये कंसिडरेबल अमाउंट जो है इनको ज़रूरत होती है अपने इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़वाने के लिए बच्चों। फिर सॉलिबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं जनरली सॉलिबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसॉलिबल होते हैं सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा में। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं तो बच्चों द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयन। तो यहाँ पे क्या कर जाते हैं बच्चों, ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे मूव कर जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सॉल्यूशन से, लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, क्योंकि ये जो सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर रिजिड हो जाता है, जिस वजह से ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर अगर ये किसी मोल्टन स्टेट में आ जाए तो ये पॉसिबली क्या कर सकते हैं, ये अपना जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसे कर सकते हैं। और दिस इज़ पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, दस द आयन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेसिक आपका एनसीईआरटी का रिव्यू था बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।